कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई लेखक नहीं पैदा हुआ जो है राजनीति को और अंडरवर्ल्ड को तथा साहित्य को इस तरीके से प्रभावित किया हो। साहित्य को भी वो माफिया थे सर, ये तो सभी लोग जानते हैं। दूसरा जो आपको आश्चर्य है सर, कुछ जमाने के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे, नामदेव ढसाल का जो है आदर करते थे, दादा कहते थे, मैं किसका किसका नाम हूं सर, ऐसे ऐसे निषिद्ध लोग उनके सामने बच्चे जैसे थे, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि दुनिया में कहे, वो लोग जो है ढसाल साहब के में एक तरीके से पैरों में गिरते थे। और ढसाल साहब ने खुद कहा है कि यदि मुझे कविता आकर्षित नहीं करती तो मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, किसी चकला घर का मालिक होता। जयंती विशेष दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। आज एक महत्वपूर्ण बहुजन नायक की जयंती है, नाम आपने सुना ही हो, नामदेव ढसाल, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, लेखक, कवि, चित्रकार, पेंटर, राजनेता, संगठनकर्ता, ऑल इन वन मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, राजनेता भी रहे हैं, एक्टिविस्ट भी रहे हैं, तमाम काम उन्होंने किया है। उनकी जयंती पर चर्चा करने के लिए वो जाने माने डायवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, बहुजन चिंतक एचएल दुसाद साहब फिर अम्बेडकर नामा पर हैं, और इनको बुलाने का विशेष जो कारण यह था कि ढसाल साहब को दुसाद जी व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे, उनके साथ इन्होंने मंच साझा किया है, उनके ऊपर उन्होंने दो किताबें प्रकाशित की हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और नामदेव ढसाल, और एक उनके निर्वाण के बाद दूसरी किताब है महाप्राण ढसाल, नामदेव ढसाल। इसके अलावा दुसाद साहब कई लेख भी इन्होंने प्रकाशित किया है, और चूंकि ये उनके साथ रहे भी हैं और जानते भी हैं, संगठनकर्ता, आपने दलित पैंथर नाम सुना होगा, जिसने पूरा एक हलचल मचा दिया था भारतीय राजनीति में। ढसाल साहब कांशीराम जी और अम्बेडकर के बीच एक तरह से सेतु थे, एक तरह से पुल का काम उन्होंने किया है, इसलिए तमाम बारीकियों को जानने के लिए दुसाद साहब को हमने आग्रह किया था कि अम्बेडकर नामा पर आए, और सीधा फ्लोर अब उनको दे रहा हूँ, ढसाल साहब के बारे में हम लोग को भी परिचित करवा दें, हमारे अम्बेडकर नामा के दोस्तों को भी बताएं उनकी खासियत क्या बात थी। इन्होंने टैगोर से तुलना की है और टैगोर से बड़ा कवि उनको माना है, इसलिए जानना भी जरूरी है उनकी अंतर्दृष्टि क्या है ढसाल साहब के बारे में। ढसाल साहब स्वागत है अम्बेडकर नामा में, जयंती की बधाई। दर्शकों को मेरी ओर से भूरी भूरी जय भीम, और मैं सबसे पहले जो है आज के खास दिन नामदेव ढसाल साहब के 73वें जयंती के अवसर पर जो है उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, जय भीम जय भारत। सर ढसाल साहब के विषय में शॉर्ट में आपने गागर में सागर भर दिया, आपने जो बतलाया उन सब खूबियों से वो लैस थे। मैं जरा आपके दर्शकों को जो है उनसे जुड़ी अपनी यादों से अवगत कराना चाहूंगा। सर मेरा 1999 से मेरा महाराष्ट्र आना जाना रहा है, खास तौर से मैं 2006 से हर साल जो है शिवाजी पार्क में जाकर के अपनी किताबों की प्रदर्शनी लगाता रहा हूँ, और समय समय पर जो है वहाँ बड़ी बड़ी मीटिंगों में अपनी किताबों का एग्जीबिशन लगाता रहा। लेकिन शिवाजी पार्क में मैं जब भी जाता था नामदेव ढसाल के विषय में कहीं न कहीं से चर्चा आई जाती थी। 2008 के आसपास में इन्वाइटेड था नागपुर में, वहाँ एक है राहुल वानखेड़े साहब, उन्होंने मुझे और मोहनदास ने मिश्रा जी को बुलाया था, उन्होंने बड़ी अहमियत के साथ बड़े खास तौर से जो है ढसाल साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जो कुछ भी हैं ढसाल साहब की वजह से हैं, अगर ढसाल साहब नहीं हो तो मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाता, भूरी भूरी उन्होंने तारीफ किया सर। उसके बाद से मुझे कौतूहल होने लगा, मेरा कौतूहल और बढ़ गया। इसी क्रम में सर मैं 2011 में शिवाजी पार्क में 6 दिसंबर को गया था अपनी किताबों की प्रदर्शनी लगाने के लिए, और मेरे स्टॉल पर काफी भीड़ थी। बातों ही बातों में जो है मैंने किसी से कह दिया कि भैया हमने सुने हैं कि यहाँ पर एक नामदेव ढसाल साहब बहुत जबरदस्त राइटर हैं, कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, मैं 2-3 दिन बॉम्बे में हूँ, यदि आप लोगों में से कोई उनका नंबर अगर मुझे सुलभ करा दे तो मैं बड़ा आभारी रहूँगा। संयोग से वही जो है एक व्यक्ति थे
जो हर साल मेरे स्टॉल पर आया करते थे और काफी देर तक समय देते थे, मेरी किताबें भी लेते थे, वो थे भाई सुरेश केदारे। उन्होंने मेरी ओर ताका, बोला कि आप उनसे मिलना चाहते हो। मैं बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरी तो बरसों से तमन्ना है कि आप उपाय करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, बोले कि मैं एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पर संपर्क करना, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कॉल बैक करोगे, मैं ले चलूंगा खुद आपके घर। तो सर 6 दिसंबर का कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं 7 दिसंबर को खाली था। उसके बाद से मुझे लगता है कि दोपहर के आसपास हमने फोन किया, ढसाल साहब का जो नंबर मिला था उधर से किसी महिला ने उठाया। जब मैं अपना परिचय दिया कि दिल्ली से आया एक राइटर हूँ और ढसाल साहब से मिलना चाहता हूँ, तो कुछ एक मिनट के गैप के बाद, 2 मिनट के गैप के बाद उन्होंने मुझे जो है कहा कि आप आ सकते हो। फिर उन्होंने अपना एड्रेस नोट करवाया और मैं पहुंचा सर अंधेरी में, अंधेरी वेस्ट में ढसाल साहब रहते थे, फुल राइड उनका वो था, अपार्टमेंट का नाम था। मैं पहुंचा, 5-7 मिनट इंतजार करने के बाद जो है ढसाल साहब आते हैं, बगल में व्हील चेयर पड़ी हुई थी लेकिन किसी तरीके से दीवार के सहारे आए, आकर के व्हील चेयर पर बैठ गए। उसके बाद से परिचय हुआ। मैं उनके व्यक्तित्व की भव्यता देख करके सर विस्मित रह गया, क्या ग्रांड पर्सनालिटी थी, क्या चेहरे पे एक तेज था। फिर हमने अपना परिचय दिया और मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि मेरे जैसे एक नए राइटर के विषय में जो है काफी उत्सुकता के साथ वो पूछने लगे। फिर देर तक हम लोग रहे सर, 1 घंटे तक रहे हम। इस क्रम में हमने जो है उनको अपनी कुछ किताबें जो है गिफ्ट की। तो मैं किताबें लेके गया था कि वैसे ही मैं गिफ्ट करके चला आऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने शायद उनको जो है 1500 रुपये की किताब दिया था और जब मैं चलने लगा तो मेरे जेब में उन्होंने 4000 रुपये डाल दिए। ऐसे शाही अंदाज के थे ढसाल साहब। तो जो मैं किताबें दिया था सर, उसमें 3 किताबें संभवतः केजरीवाल के आंदोलन पर थी, जो केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था उन दिनों, तो उस आंदोलन के खिलाफ मैंने 4 किताबें लिखी थी। तो 3 किताबें लेकर के मैं गया था बॉम्बे में एग्जीबिशन के लिए। तो 4 किताबें 3 किताबें भी मैंने उनको भेंट किया केजरीवाल से जुड़ी हुई। तो केजरीवाल का जो मूवमेंट चल रहा था उस पर जो है मैं देखा उनके मन में काफी आक्रोश और संशय था, तो उन किताबों को बड़ा प्रेम से रखा। मैं आया, बड़ी सुखद स्मृति लेकर के आया। उन दिनों में बनारस में रह रहा था अपने बेटे के पास। अचानक जो है एक दिन कॉल आती है, जनवरी का शायद वो आखिरी महीना था, आखिरी सप्ताह था, फोन उधर से आया। मुझे ताज्जुब हुआ कि फोन ढसाल साहब की तरफ से था। ढसाल साहब ने कहा कि दुसाद साहब, हम लोग जो है अन्ना आंदोलन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट निकालने जा रहे हैं और प्रोटेस्ट के बाद हम एक ज्ञापन देंगे राज्यपाल को, प्लीज आप जो है पहुंच जाओ यहाँ पर। मैंने कहा कि सर मैं तो बनारस में हूँ, मौसम भी बहुत खराब है और इतनी जल्दी टिकट भी कंफर्म नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगा। तो बोले उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं कर सकता हूँ सर। उन्होंने कुछ 1 घंटे के मध्य जो है एयर टिकट भिजवा दिया और उसके बाद मैं अगले दिन जो है बॉम्बे पहुंच गया। संजोग से फ्लाइट लेट थी। जब मैं पहुंचा उस समय जो है वहाँ दादर, जहाँ बाबा साहब का ये हुआ था समाधि है, वहीं पर मीटिंग हो रही थी। मैं मीटिंग में शिरकत किया लेकिन संबोधित करने का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद उनके साथ हम लोग मालाबार हिल में गए, राज्यपाल को ज्ञापन दिए। इस दरमियान हमने उनके व्यक्तित्व को और करीब से देखने का मौका पाया सर। फिर वो हमारे जो है करीना यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था किए। शाम को जो है वो उनका आदत थी, ढसाल साहब की एक बड़ी हैबिट थी, बॉडी उनकी सर यकड़ी हैवी हो गई थी और एक अजीब किस्म की बीमारी से वो ग्रसित थे। वो बीमारी पूरे भारत में कुछ एक लोगों की थी जिस बीमारी से कभी अमिताभ बच्चन भी ग्रसित थे। उसमें क्या होता था कि ये करते करते सुस्ती आ जाती है और व्यक्ति सो जाने जैसा होता है, वो एक अजीब किस्म की बीमारी ढसाल साहब को थी। तो ढसाल साहब मोस्टली घर पर ही रह के काम करते थे लेकिन शाम को घूमने के लिए निकलते थे, घूमने के बड़े शौकीन थे। घूमते कैसे थे, बड़ा सा व्हील चेयर था, उनके कुछ गुणानुरागी जो है वो उसे व्हील चेयर को उठा करके गाड़ी में रखते थे, फिर जो है उनको ले चलते थे घुमाने के लिए। तो मैं वहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहरा था। उन्होंने कहा कि दुसाद जी, अगर आपके साथ टाइम हो तो प्लीज आप हमारे साथ चलो। मैं बोला कि सर इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो फिर मैं सर उनके साथ गया। गया सर हम एक जो मंत्रियों का आवास उस इलाके में हम गए।
मंत्रियों से मिले, मैं देखा कि मंत्री सब कितनी उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, गजब की श्रद्धा। घूमते घूमते हम लोगों को 10:30 बज गया था, अचानक उन्होंने एक मंत्री का नाम लिया, आर आर पाटिल जो गृह मंत्री हुआ करते थे, तो ड्राइवर को कहे कि चलना है उधर, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर लेट हो गया, वो सो गए होंगे। अरे बाबा चलना है ना, लोगों ने कहा सो गए चलना है ना, तो हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठे और जो है चले गए आर आर पाटिल के। गेट बंद था, विशाल गेट बंद था और सही में वो सो चुके थे। जो संतरी था वो बोला कि सर साहब तो सो गए हैं। तो कि सो गए हैं बाबा, बोलो कि ढसाल आया है। अब ढसाल का नाम सुनते ही सर वो खोल दिया, खोलने के बाद से जो ले गया ड्राइंग रूम में, और 5 मिनट के अंदर हम दंग रह गए सर की जो आर आर पाटिल जो गृह मंत्री है वहाँ के आते हैं, और आने के बाद जो है हम लोग के साथ चाय पानी पिए, क्या रिस्पेक्ट। तो ढसाल साहब एक ऐसी शख्सियत से जो है गजब का, उन्होंने रिस्पेक्ट हर तबके का जीता था, चाहे लेखक हो चाहे एक्टिविस्ट हो चाहे मंत्री हो। उन्हीं ढसाल साहब का सर डेथ आपका ये हुआ था, ये 15 जनवरी, आज 15 फरवरी है, संयोग से 15 जनवरी को जो है उनकी डेथ हुई थी। मैं उन चंद लोगों में हूँ सर जो है कि ये ढसाल साहब को करीब से देखने का मौका मिला था आखिरी दिनों में, जब वो एडमिट थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, तो लोगों को जो है उनसे मिलने की मनाही होती थी। लेकिन मुझे सुरेश केदारे साहब ने बताया, जो उनके बड़े सहयोगी हैं जिनके माध्यम से मैं उनसे मिला, उन्होंने बताया कि दादा, उनके साथी सब उनको दादा कहते थे, हम तो साहब कहते थे, लोग उनको दादा कहते थे, कि दादा जो है बहुत बीमार रहे। अब उनकी बीमारी की बात सुनकर के सर जो है मैं भी बॉम्बे चला गया, और संजोग से उन दिनों वही भी शिवाजी पार्क में किताबों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। मैं 7 तारीख को जो है शिवाजी पार्क से फारिग होने के बाद से उनसे मिलने के लिए गया, तो इतनी वहां पर बंदिश थी कि डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे थे, हालत उनकी बहुत ही क्रिटिकल थी। लेकिन उन तक जब खबर पहुंचाया गया कि दुशाद आए हैं दिल्ली से, तो वो जो है बेचारे जो है संकेत किए कि आने दो। अगले दिन जो है सर मिलने का मौका मिला। ढसाल साहब के साथ मैंने एक देखा सर, वो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराते रहता था, कभी उनके चेहरे पर ग्लूम नहीं, इतना मुस्कुराना, इतना उनके चेहरे पर करुणा का भाव रहता था, क्या बताया। तो मैं 7 तारीख को सर जो है ये किताब मेरे हाथ में थी, वो किताब क्या थी कि ढसाल साहब 2011 में जो हमारी मुलाकात होती है, 2011 के दिसंबर में जब मुलाकात होती है, तो उनसे तय हो गया, उन्होंने कहा कि दुशाद साहब हिंदी पट्टी के लेखकों से मेरी मुलाकात नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप एक मुलाकात करो। तो उन्हीं दिनों सर 15 मार्च 2012 को अपने डाइवर्सिटी डे का स्थापना दिवस था, मैंने उसमें इनवाइट किया उनको, और तैयार भी हो गए थे, लेकिन अंतिम समय में वो आ नहीं पाए थे। बाद में उसकी भरपाई के लिए उन्होंने हमारा जो 27 अगस्त को डाइवर्सिटी डे होता है, उस डाइवर्सिटी डे का आयोजन सर अपनी तरफ से उन्होंने बॉम्बे में करवाया है। ये हमारे लिए बहुत, अपने डाइवर्सिटी मूवमेंट के लिए बहुत गौरव की बात थी सर। हम लोग दिल्ली से 23 व्यक्ति गए थे, डॉक्टर संजय पासवान थे, छेदी पासवान थे, बुद्ध संहंस थे, डॉक्टर त्रिशरण थे, और भी ढेरों इस तरीके से शील मोदी थे, हम लोग 23 व्यक्ति यहाँ से गए थे, और बड़ा शानदार उन्होंने जो है आयोजन वहां पर करवाया। 30 सितंबर 2012 को 2011 के दिसंबर महीने मुलाकात होती है, फिर मैं 2012 के जनवरी महीने में जो अन्ना आंदोलन के खिलाफ उनका प्रोटेस्ट था उसमें शिरकत करने के लिए गया था, और उसके बाद से सितंबर में होती है, तो बड़ा भव्य। तो जो 2013 में गया सर, तो उस 2013 वाले डाइवर्सिटी ईयरबुक भी साथ में लेके गया था, जिसमें 2012 में उन्होंने जो बॉम्बे में प्रोग्राम कराया था उसमें सारा तस्वीर और रिपोर्ट्स वगैरह थी। बहरहाल मैं गया मिलने के लिए, आईसीयू में वो थे बेचारे, मुझे देखते ही सर जो है उनको लगा कि आया हूँ, आंखें खोले, आंखें खोलने के बाद से जो है पीड़ा तो थी, लोग बता रहे थे कि जो है बेचारे जो है बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही जो है आंखें खोले और चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर मैं जो है मैं समझ गया कि इस स्थिति में ज्यादा समय नहीं देना, बड़ी मुश्किल से मैं 1.5-2 मिनट रहा, 2 मिनट के अंदर मैं अपने उनको किताब दिखलाया कि सर देखिए आपने जो कार्यक्रम कराया था ये है उसकी रिपोर्ट और तस्वीर, और ये इजाजत दी है। उन्होंने
इशारा हाथों से किया और चलने के समय कहा कि डाइवर्सिटी रुकना नहीं चाहिए। ये सर जो है बड़ी इमोशनल हो वक्त, तो वही सर 2013 के दिसंबर महीना में 7 दिसंबर को मेरी उनसे मुलाकात होती है। फिर मैं जो है वहां से लौटता हूँ जनवरी के दूसरे सप्ताह में सर, 2014 के दूसरे सप्ताह में मुझे कलकत्ता जाना पड़ा था। मैं कलकत्ता से वापसी कर रहा था, देहरादून ट्रेन में था, रात 3 बजे का समय था, जबरदस्त ठंड पड़ रही थी, मैं कंबल ओढ़ करके सो रहा था। अचानक 3 बजे के करीब जो है फोन की घंटी घनघना उठी। मुझे लगा कि जो है मामला कुछ जसाल साहब से भी जुड़ा है, लगातार हम उनके संपर्क में थे, जो साथी है सब बतला रहे थे। तो उन्होंने बताया, सुरेश केदारे ने बताया एक ही लाइन कि दादा नहीं रहे, उसके बाद चतुर्थन जो है क्या। फिर मैं उसी समय जो है ढेरों लोगों को जो है फोन ऑन किया। इस तरीके से जो है ना जसाल साहब जो है इस धरा से तो गुजर गए थे, लेकिन एक अमिट व्यक्तित्व की छाप छुड़ गए। मैं खुद अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानता हूँ सर, आप जैसे लोगों का जो है मुझे निकटता मिली, और भी ढेरों लोग हैं, लेकिन मेरे लाइफ का जो है सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मैं इसे मानता हूँ, मुझे नामदेव ढसाल साहब का स्नेह मिला, निकटता मिली। और कुछ और साल यदि वो जिंदा रह जाते तो दलित पैंथर के साथ मिलकर के शायद डाइवर्सिटी मूवमेंट जो है कुछ और आगे की मंजिल तय करता सर। ये अब ढसाल साहब के व्यक्तित्व के विषय में तो सर ये हुआ। जहां तक ये जो आपने उनका जिक्र किया ना, क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर से, 2012 में जब मेरा उनसे परिचय होता है, उसके बाद से दिल्ली में वो लगा हुआ था, वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ था, जहाँ ढसाल साहब की पहली हिंदी में आई एक किताब का विमोचन था। किताब उनकी कविताओं का संग्रह था और विमोचनकर्ता के तौर पर उसमें जो विशेषक के तौर पर बुलाए गए थे वो थे विष्णु खरे। तो 2000 वर्ल्ड बुक फेयर में अपनी किताबों की प्रदर्शनी भी लगाया था और जब सुना कि ऐसा है तो मैं चला गया सुनने के लिए, सुन के दंग रह गया सर। विष्णु खरे जो बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बुक फेयर लगा हुआ है, इसके पहले जो है कलकत्ता में बुक फेयर लगा हुआ था, मैं वहां पर गया तो वहाँ जो है सारा आयोजन जो है रविन्द्रनाथ को केंद्रित करके था, उनकी 150वीं जयंती थी, तो उसमें तमाम लोग जो है उनकी तारीफ में होड़ लगाए कि उनसे बड़ा कुछ किया नहीं हुआ। लेकिन मैंने उसमें जो है जब मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला तो मैंने कलकत्ता बुक फेयर में कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सबसे बड़े कवि हैं, इस धारणा का खंडन होना चाहिए। अगर कविता का मकसद मानव जाति के हित से जुड़ा हुआ है, कविता का लक्ष्य यदि मानव जाति का कल्याण है, तो नामदेव ढसाल उनसे बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने बड़े चैलेंज के साथ वर्ल्ड बुक फेयर में कहा सर। उसके बाद से जो है वो जो बात कहे तुम तो बड़ी स्ट्राइक कर गई। वही विष्णु खरे जो है ढसाल साहब के डेथ के बाद से सर मुझको एक ईमेल किया था, उन्होंने बताया था कि दुशाद ढसाल तो गुजर गए, उनकी जो ये है जो सब यात्रा जो निकली आप दंग रह जाओगे कि उसमें जो 60,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। और उसके साथ एक लाइन जुड़ा था कि यदि दिल्ली में एक साथ 60 साहित्यकार मर जाते, एक साथ 60 जो राइटर्स है उनका अगर डेथ हो जाता तो बड़ी मुश्किल से उनके घर परिवार के लोगों को मिला करके 600 लोग जो है सब यात्रा में शामिल होते। लेकिन नामदेव ढसाल के जब सब यात्रा निकले थे सर जो है 60,000 के करीब लोग उसमें शामिल हुए थे। बॉम्बे का रास्ता जो है ट्रैफिक जाम हो गया, ऐसे थे नामदेव ढसाल साहब। तो कवि के रूप में सर जो है अगर कविता का मकसद वो है मानवता का कल्याण है तो उस हिसाब से जो है ये मेरा कहना नहीं है, मैं कविता वगैरह में उतना रुचि नहीं लेता हूँ, ये विष्णु खरे जैसे कविता कवि का कहना है। क्या बोला था विष्णु खरे साहब ने, पूरा सेंटेंस पूरा पैराग्राफ सुनाइए। अच्छा अच्छा उन्होंने सर मैंने पढ़ा है, दोस्तों को सुनाइए, मैंने पढ़ा है उनके उनके पैराग्राफ। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सबसे बड़े कवि हैं, ये बात यही इस धारणा का खंडन होना चाहिए। अगर वो कविता का लक्ष्य जो है मानव जाति का हित है तो राम ये क्या नाम है नामदेव ढसाल उनसे बहुत बड़े कवि थे और उनकी श्रेष्ठता को तोड़ने का काम नामदेव ढसाल ने किया है। इस तरीके से उन्होंने
अपने संबोधन में कहा था, जिसका उल्लेख मैंने आज ये किया है सर। तो कवि बहुत बड़े थे और कविता का उनका जो इम्पैक्ट था सर, वो क्या है कि आज जो हम लोग दलित साहित्य का तेवर देखते हैं, दामोदर ढसाल की सबसे बड़ी था कि साहित्य में इतना बड़ा रिवोल्यूशन भारत की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल किया सर, जैसे उनकी एक गोल पीठा जो रचना है, गोल पीठा के विषय में आपको सर बताऊंगा क्या वो जगह है। अब इनके ये कवि के रूप में सर किस तरीके से, किन विपरीत परिस्थितियों में सर जो है ये कितने बड़े कवि के रूप में विकसित होते हैं, मैं थोड़ा इसके तरफ आपको संकेत करना चाहूंगा। बॉम्बे में जब लोगों को पता चला कि ढसाल साहब का मैं स्नेह पात्र हूँ, वो मुझे बहुत भाई की तरह मानते हैं, उसके बाद से जो है उनके जो सहयोगी थे मुझे अतिरिक्त रूप से आदर देने लगे। तो जब मैं 6-7 दिसंबर को गया उनसे बॉम्बे हॉस्पिटल में मिलने के लिए, फिर क्या नाम है अगले दिन के लिए मुझे टाइम दिया गया। तो उनके एक बड़े करीबी थे आत्माराम नाम करके एक व्यक्ति, आत्माराम बेचारे जो है सिर्फ दादा की सेवा के लिए जो है बेचारा ताउम्र कुंवारा रह गया, शादी वादी उन्होंने नहीं किया। तो उनको सुरेश केदारे साहब ने कहा कि आत्माराम अपने भाई साहब को जो है, उनको भाई साहब कहते हैं, भाई साहब को जगह दिखला दो जहाँ नामदेव ढसाल जो है पड़े पड़े थे। सर मैं गया वहां पर, इमेजिन नहीं किया जा सकता है, ढसाल साहब की परवरिश सर जो है कमाठीपुरा इलाके में हुई थी। कमाठीपुरा जो है एशिया का संभवतः जो है कलकत्ता के सोनागाछी के बाद सबसे बड़ा रेड लाइट शहरों का इलाका है। उसी कमाठीपुरा से सटे सर एक लेबर क्वार्टर हुआ करता था, उसमें जो है ढसाल साहब की परवरिश हुई थी। मैं गया वो उस समय भी जो है वो जहाँ ढसाल साहब थे रहते थे, जगह बरकरार थी, लेबर क्वार्टर था, आंगन नुमा था सर, विशाल आंगन था और आंगन के चारों ओर जो है सिंगल कमरे का, अंदर एक कमरा बाहर में एक बरामदा, बस इसी टाइप का सेटअप था। तो ढसाल साहब जिस कमरे में रहते थे वो कमरा सर जो है संभवतः 15 बाई 12 का हुआ करता था। 15 बाई 12 मतलब कितना ये सोच लीजिए क्या साइज हो सकता। और उसमें ये आश्चर्य की बात सर कि 4 परिवार रहते थे, 1-2 परिवार नहीं सर, 4 लेबर फैमिली वहां पर रहती थी। और वो स्थिति थी कि ढसाल साहब को जो है खाना बन गया तो खाना घर में बैठ करके खाने के लिए मौका नहीं था, वही आंगन के किनारे जो ड्रेन था, नाली थी, उसी नाली के पास बैठ के खाया करते थे। और ढसाल साहब ने खुद मुझे बतलाया, उनके करीबी लोगों ने बताया कि कई बार जो है कीड़े जंप करके, नाली के कीड़े जंप करके थाली में चले जाया करते थे। अब ढसाल साहब जब कवि बनने लगे तो कविता कर्म के लिए सर हम लोग खुद जानते हैं जो राइटिंग करते हैं, राइटिंग के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, एक बढ़िया परिवेश चाहिए। लेकिन ढसाल साहब को क्या कविता का परिवेश मिलता है सर, उनके लिए कहीं एकांत नहीं था जहां बैठ करके वो कविता रच सके सर, ऐसे परिवेश में पले बढ़े। उनके पिता बूचड़ खाने के कर्मचारी थे, बूचड़ खाना माने जो कसाई खाना, जहाँ ये सब जो गाय बकरी ये सब कटती वही देते ऐसे। तो वो कविता लिखने के लिए जाते थे सर गोल पीठा इलाके में। गोल पीठा, गोल पीठा क्या है, ये गोल चक्कर है, जिसे कनॉट प्लेस सर्किल है उसी तरीके से मान के चलिए, गोल पीठा एक सर्किल है, उस सर्किल जो है ये चक्कर है, यहीं से जो है एक रास्ता इधर चला जाता है विश्वविद्यालय है, इधर जो है कामाठीपुरा चला जाता है इधर, तो आसपास जो है विश्वविद्यालयों का इलाका था सर। गोल पीठा का जो गोल चक्कर है सर, वहां पर जो चिकना की दुकानें हुआ करती थी, पान सिगरेट की दुकानें हुआ करती थी, जो जिनको विश्वविद्यालय में जाना होता था वो यहाँ से मूट कर बना करके शराब पी के तमाम चीजें ये करके वो सब जाया करते थे। ऐसी जगह पर जहाँ लोग किलबिल करते थे, जहाँ शोर शराबा हुआ करता था, अजीब किस्म का माहौल होता था, ढसाल को वहां अपनी कविताएं लिखने का मौका मिलता था। हमारे आपकी तरह घर में बैठ के लिखने का मौका नहीं मिलता था, और वहीं जा करके वहां जो है गोल पीठा में बैठ करके उन्होंने कविता का जो सृजन किया और उसमें उन्होंने जो भाषा दिया, उन्होंने जो विचार दिया, उसका कोई तुलना ही नहीं। उनकी एक किताब का नाम है सर गांडू बगीचा, कल्पना कर सकते हैं ऐसा ऐसा शब्द उन्होंने दिया। लिटरेचर में जो अभिजात वर्ग के जो जो ये एरिस्टोक्रेट जो शब्दावली थी, उस शब्दावली को उन्होंने ध्वस्त करके रख दिया। इस तरीके से जो है उन्होंने आपका लिटरेचर में जो बगावत कर दिया। और आज दलित साहित्य जो कुछ है, दलित साहित्य की बड़ी खासियत क्या है सर, इसमें लालित्य नहीं है, सौंदर्य आर्टिस्टिक नहीं है, दलित साहित्य की जो खासियत है इसका कंटेंट है, उग्रता है, आक्रमकता है। और ये तेवर देने वाला जो है नामदेव ढसाल, इतना बड़ा काम जो है
दलित साहित्य में किसी ने नहीं किया। आज हम जितने भी जो है वो दलित साहित्य लिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है बाबा साहब से प्रेरित होकर महाराष्ट्र के लोगों ने, ढसाल उनके साथ जो है अर्जुन डांगले, राजा ढाले वगैरह ने किया, इन लोगों ने किया, लेकिन ढसाल ने एक अलग तेवर दिया सर, जिसका इम्पैक्ट जो है पूरी भारतीय पड़ा, और जो हजारों साल का जो अभिजात वर्ग का जो कथा वधा साहित्य था, वो साहित्य पहली बार जो है ढसाल साहब की वजह से सवाल के घेरे में आता है। तो कविता के क्षेत्र में तो सर उन्होंने कमाल कर दिया। व्यक्ति के तौर पर सर मुझे जो है उन पर मन बन गया कि मैं कविता कोई उनकी बायोग्राफी लिखूं, तो बायोग्राफी के सिलसिले में सर मैं कामाठीपुरा के बस्तियों में घूमा हूं। जो विस्याएं थी वो उनको अपना मसीहा मानती थी, वो कामाठीपुरा के बेचारी जो है गरीब मजलूम औरतें जो अपना जिस्म भरोसी करके गुजर बसर करती थी, वो उनका अपना मसीहा मानती थी। ढसाल साहब के उद्भव के बाद से जो है पुलिस का शोषण बंद हो गया, नहीं तो उन महिलाओं की कमाई जो है पुलिस ले लेती थी, गुंडे बदमाश ले लेते थे। ढसाल साहब के उदय के बाद से जो है कामाठीपुरा जो है पुलिस और बदमाशों से की आतंक से मुक्त हो गया, तो हर तबका उनका दीवाना रहा। अब सर जो है जो ढसाल साहब के विषय मेरा ही जो आकलन है सर वो बड़ा एक अजीब है, और एक इस क्राइटेरिया के लिहाज से मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में उनसे बड़ा राइटर मानता ही नहीं हूं। एक और बात मैं कहूं सर कि दुनिया में ढेरों लोग जो है बहुत ही प्रतिकूल हालात में निकल करके जो है स्थापित हुए हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कथा पढ़िए, चाहे अपने सूरज पाल चौहान है, चाहे तमाम ढेरों जो दलित राइटर है उनकी मेमोरी में जो कोई सुखद बातें नहीं है। उसी तरीके से वेस्टर्न कंट्री में जैसे माइक टाइसन है, या और भी जो ब्लैक्स ने जो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया, वो सारे के सारे बहुत ही वो स्लम बस्तियों के प्रोडक्ट हैं, स्लम बस्तियों के। लेकिन ढसाल साहब जो थे वो स्लम से भी स्लम बस्ती के प्रोडक्ट हैं। बहरहाल स्लम बस्ती में रह करके ढसाल साहब ने जिस स्तर पर जो है ये किया, प्रभावित किया समाज को, सर मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के इतिहास में कोई वैसा कर पाया। राजनीति में उन्होंने कैसे डेब्यू किया? राजनीति का आप सोचिए सर जो है क्या आश्चर्य की बात है, कल्पना ही इमेजिन स्थित की जा सकती है। ढसाल साहब 1949 में उनका बर्थ होता है और 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर की स्थापना करते हैं। उन्हीं दिनों बॉम्बे में एक बहुत बड़ा राइट हुआ था सर, बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसमें दलितों का कत्लेआम हुआ था। इस दलितों के कत्लेआम में ढसाल साहब और उनके जैसे जो साथी, ढसाल साहब को उद्वेलित किया और फिर उन्होंने अपने जैसे जो युवा लेखक है क्रांतिकारी उनको उन्होंने संगठित करने की कोशिश किया। उस समय तक बाबा साहब की जो RPI पार्टी थी वो निष्क्रिय हो चुकी थी। जैसे आप देख रहे हैं अपने उत्तर भारत में बहुत सी पार्टियों ने जो है एक उम्मीद जगा करके आज की जगह पहुंच गई है, तो RPI जो है मोह भंग का तमाम लोग शिकार हो गए थे। जब वो दंगा हुआ और RPI ने कोई बड़ी भूमिका अदा नहीं की, वैसी स्थिति में जो है नामदेव ढसाल और उनके जैसे लोग जो है प्रेरित होकर के फ्यूचर में एक प्रतिरोध खड़ा करने के लिए जो है दलित पैंथर की स्थापना करते हैं। 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर स्थापित होता है। वैसे इसमें लोग जो है राजा ढाले की भी भूमिका मानते हैं, लेकिन मैंने जितना जो अध्ययन किया है मुझे राजा ढाले से बहुत ही शिकायत है। राजा ढाले की वजह से ही जो दलित पैंथर ये ध्वस्त हो जाता है। क्लैश क्या हो गया था, दलित पैंथर जब बनता है तो उसमें ढसाल साहब की सबसे बड़ी भूमिका थी, लेकिन राजा ढाले क्या थे, वो थोड़ा वैचारिक लेखन करते थे, वो अखबार वगैरह में ज्यादा ही लिखते थे। अब जो है जब एक संगठन स्थापित हो जाता है तो नामदेव ढसाल के ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी होने का मतलब क्या कि ये जमीन जायदाद जो हम लोग सोर्सेज ऑफ पावर की जो बात करते हैं, दलितों को सशक्तिकरण के लिए तमाम हिस्सेदारी दिलाने की जो बात करते हैं, ये विचार लेकर के चले थे अपने नामदेव ढसाल साहब। और राजा ढाले जैसे व्यक्ति ने क्या एलिगेशन लगा दिया, आज आपका बहुजन मूवमेंट जो इसी कारण जो ध्वस्त हो गया। राजा ढाले बौद्धिष्ट थे, वो बौद्धमय बनाना चाहते थे भारत को, और नामदेव ढसाल जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मार्क्स से प्रेरणा लेकर के दलितों को सशक्त बनाना चाहते थे। बहरहाल सर महज 22 साल की एज में जो है वो दलित पैंथर की स्थापना करते हैं। कल्पना कीजिए सर, इमेजिन कीजिए कि एक जो है हम ने कई बार उसको एक टाइटल दिया है धरती के नरक से निकला हुआ व्यक्ति,
कामाठीपुरा जैसा नरक की जो कल्पना की गई है किताबों में सर, उसका साक्षात रूप आप कामाठीपुरा में देखेंगे। वहां से निकला हुआ एक युवक इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में सर, जिसका कोई पारिवारिक हैसियत नहीं, कोई धन दौलत नहीं है, बाप की हैसियत है वो बेचारे जो है वो बूचड़खाने में काम करते हैं, वैसे परिवेश से निकला हुआ व्यक्ति सर जो है 22 साल की एज में दलित पैंथर जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करता है। और दलित पैंथर का इम्पैक्ट जो अभी वो उतना जो है हिंदी पट्टी के लोगों ने जाना नहीं, नक्सलवाड़ी जो आंदोलन शुरू होता है 70 के डेकेड में, तो नक्सलवाड़ी ने जिस तरीके से वहां पर एक आतंक का माहौल पैदा किया था, एक परिवर्तन की संभावना जगाया था, उससे भी कहीं ज्यादा जो है सर ये दलित पैंथर का इम्पैक्ट था। अब सोच लीजिए जो नक्सलवाड़ी है उसके पीछे बड़े बड़े जमींदार घरों से निकले हुए सब नौजवान पढ़े लिखे हैं उससे, और नामदेव डसाल साहब जो है बहुत डिग्रीधारी नहीं थे सर, जस्ट जो है वो एक तरीके से कहिए हायर सेकेंडरी पास थे, उन्होंने फाइन आर्ट में जो है डिग्री लिया था और बेहतरीन जो है जानते थे। 1922 साल की एज में दलित पैंथर की स्थापना के बाद से समझिए कि सर ऐसा जलजला आता है, इस तरीके का जो है महाराष्ट्र की राजनीति पर इम्पैक्ट पड़ता है सर, कि 1974 में इंदिरा गांधी जो है टेबल टॉक के लिए मजबूर होती है। अच्छा, ये हिस्ट्री है सर, रोंगटा खड़ा हो जाता है। आपने देखा पूरी दुनिया में क्या हुआ था सर, क्या हुआ था इंदिरा गांधी जब बुलाई तो हुआ सर ये कि जो ये था जो दलित पैंथर के जुगा थे, इस तरीके से इनका आतंक हो गया था महाराष्ट्र में कि जो है ये जितने भी ये सब जो शोषक जमात के लोग थे एक तरीके से दुबक गए थे, जो शोषक जमात था बिल्कुल खौफ का शिकार हो गया था। और इसका थोड़ा सा दुरुपयोग हुआ कि कुछ पैंथर जो है अपने जरा इनके नाम का उपयोग करने लगे, जैसे बस यही कहा किसी जगह किसी व्यापारी के पास गए मैं पैंथर हूँ, अब पैंथर का नाम सुनने से ही व्यापारी जो है बेचारा थक करके पैसे देता था, तो कुछ दुरुपयोग भी होने लगा और पैंथर के युवक जो है कुछ ये करने लगे अपने अधिकारों के लिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो लेने लगे, इससे महाराष्ट्र में एक आतंक फैल गया सर। और सत्ता क्या कर सकती थी, तो ये जो प्रतिरोध था, ये जो एक ज्वार आया था दलित युवाओं में कुछ कर गुजरने के, समाज को बदल डालने के लिए, इसके लिए जो है सत्ता का सहारा लेकर के हजारों पैंथरों के ऊपर जो है केस ठोक दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी दूरदर्शी थी, वो समझ गए कि यदि इसको जो है रोका नहीं गया तो प्रवृत्ति काल में चल करके जो है देश में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। वैसी स्थिति में सर जो 1974 में वो आती हैं और नामदेव डसाल को जो है टेबल टॉक के लिए इनवाइट करती हैं सर, आमने सामने बैठ कर, और मैं डसाल साहब से बहुत ही करीब से जुड़ा हूँ, डसाल साहब ने कहा कि, और सभी लोग कहते हैं जो उनको जानने वाले हैं, अगर कोई और आज के जमाने के नेता जिस तरीके से बीजेपी सीजेपी में जाकर के मंत्री बने, डसाल साहब चाहते तो उसके विनिमय में वो बड़ा से बड़ा मंत्री पद भी ले सकते थे। लेकिन मांगा क्या उन्होंने, मांगा कि मैडम बस आप हमारे लड़कों को जो है उनके ऊपर का केस वापस कर लो, और यही हुआ। तो सोचिए किस हद तक मजबूर किया डसाल साहब ने कि इंदिरा जैसी भारत की सबसे ताकतवर नेत्री जो है उनके साथ बात करने के लिए मजबूर होती है, और वो मांगते क्या है अपने कार्यकर्ताओं की रिहाई मांगते हैं इस तरीके से। तो भारत की हिस्ट्री में कब ऐसा हुआ सर, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के युवकों ने जो आतंक फैलाया पूरे भारत की हिस्ट्री में कब हुआ, एक से एक लोग हुए। मेरा मानना है कि हजारों साल की स्थिति इतिहास में दलित पैंथरों ने नामदेव डसाल के नेतृत्व में 5-6 साल तक जो आंदोलन चलाया, समाज को जिस तरीके से उज्ज्वलित किया, ये जो है भारत के इतिहास की सबसे स्वर्णिम घटना है। लेकिन इनमें कन्फ्लिक्ट हुआ और ये टूट गया, कमजोर हो गया, आज जो है पैंथर के कई ये है धड़े हैं। तो इस तरीके से सर जो है 24 साल की एज में उन्होंने उनको मजबूर किया था। अब मैं ये खासियत बताना चाहता हूँ सर, इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में डसाल जैसा कोई राइटर ही नहीं हुआ। जितने भी राइटरों को आप देखेंगे सर, राइटर मोस्टली क्या करते हैं, मैक्सिम गोर्की से लेकर और भी जो एंटोनियो ग्राम्सी वगैरह जितने भी लोग हैं, ये राइटर क्या कि किसी स्थापित संगठन के साथ जुड़ जाते हैं। मसलन जो है लेनिन वगैरह का जो मूवमेंट चल रहा था उससे ये करने के लिए ढेरों राइटर उसके संगठन में जुड़ गए। आज जो है इस देश में राष्ट्रवाद का जो चल रहा है तो हजारों राष्ट्रवादी हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी चल रही है तो उसके साथ हम सब ढेरों लोग जो है मिलकर के ये करने लगे। लेकिन सर जो है नामदेव डसाल वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला व्यक्ति है, पहला क्या बिल्कुल सिंगल
जिसने कवि होकर के जो है दलित पैंथर जैसा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है। सब राइटिंग चैलेंज है, इस पर अध्ययन होना चाहिए कि क्या किसी कवि ने जो है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कविता की क्वालिटी के बाद जाने दे सर, ये कवि हो करके ये कितने प्रतिकूल स्थिति का उभरा हुआ व्यक्ति हो करके वो बनाता है दलित पैंथर जैसा जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1966 में ब्लैक्स का जो मूवमेंट चल रहा था ब्लैक पैंथर का, उसी से इंस्पायर्ड होकर के बना था। और ये तो विश्व इतिहास में सर जो है नामदेव डसाल पहले कवि हैं, उनको विश्व कवि कहा जाता है। भले ही नोबेल प्राइज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, लेकिन भारत के लोगों ने नॉमिनेट नहीं किया, मगर जर्मनी के लोगों ने उनके लिए सिफारिश की थी, लोबिंग की थी कि नामदेव डसाल को मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। डसाल साहब ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया कि पूरे हिस्ट्री में सिर्फ एक कवि से प्रभावित रहे, नेबुला ऐसे कुछ क्या नाम फेरुदा के कवि, उनसे ये प्रभावित रहे। तो ये देखिए सर कि ये पहला व्यक्ति है जिसने जो है खुद का इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके हाथ वो मैंने पढ़ा है और आपने संक्षेप में कह भी दिया। ये बताइए कि बाद में वो शिवसेना भी ज्वाइन हुए थे क्या? बता रहा हूँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और मुझे जो है मैंने इस देश के लोगों की सोच पर जो है काफी तरस आता है। और ढसाल साहब के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही रही कि वो जब इसके साथ जाते हैं, क्या नाम है, ठाकरे के साथ जाते हैं, तो उनके सारे कृतित्व को लोगों ने भुला दिया। तो जैसे मैं वो लाइन में रिपीट करना चाहूँ सर कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई लेखक नहीं पैदा हुआ जो है राजनीति को और अंडरवर्ल्ड को तथा साहित्य को इस तरीके से प्रभावित किया हो। साहित्य को भी वो माफिया थे सर, ये तो सभी लोग जानते हैं। दूसरा तो आपको आश्चर्य है सर, कुछ जमाने के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर थे नामदेव डसाल का जो है आदर करते थे, दादा कहते थे। मैं किसका किसका नाम लूं सर, ऐसे ऐसे निषिद्ध लोग उनके सामने बच्चे जैसे थे, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि दुनिया में गए, वो लोग जो है ढसाल साहब के में एक तरीके से पैरों में गिरते थे। और ढसाल साहब ने खुद कहा है कि यदि मुझे कविता आकर्षित नहीं करती तो मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, किसी चकला घर का मालिक होता, लेकिन कविता ने और बहुजनों की समस्या ने जो है उनको इस फोल्ड में उतार दिया, नहीं तो जो है कौन उनका मुकाबला कर सकता था। दूसरी बात जो है सर, वो उनके साथ जो गए, आप बताएं बॉम्बे की हिस्ट्री में जो है कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो बाल ठाकरे के समतुल्य बैठ सके? वो वैचारिक बात जाने दीजिए, बाल ठाकरे जैसे शख्सियत जो है बॉम्बे की हिस्ट्री में नहीं हुई, और बाल ठाकरे के बराबर यदि कोई व्यक्ति बैठा तो था नामदेव डसाल। मजबूरी आई शरीफ का जो है उनके ही चेले हैं, आप ये देख लीजिए अदना सा कार्यकर्ता बेचारा जो अठावले हैं, रामदास अठावले, वो उनके ढसाल के ये थे ना, बड़े एक शिष्य ही थे। 2012 में जब हम लोगों का कार्यक्रम उन्होंने कराया था तो उसमें आए थे ये भी बिना इनविटेशन के बेचारे अठावले साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई बिहार से हमारे कुछ भाई लोग आए हैं सेमिनार करने के लिए, सुनने में आ रहा है कि उन पर कोई हमला करने वाला है, उस समय राज ठाकरे का आतंक फैला हुआ था, तो यहाँ पर है, देखता हूँ कौन आता है। बड़ा शानदार उन्होंने दावत भी दिया था। ऐसे ऐसे लोग जो है रामदास अठावले ऐसे लोग है, कवाड़े वगैरह ये छोटे छोटे इनके जो है फॉलोअर रहे। तो इन्होंने साहित्य को प्रभावित किया अंडरवर्ल्ड। दिलीप कित्रे नाम के एक बहुत बड़े वो कवि हैं और फिल्मकार माने जाते हैं, उन्होंने बाकायदे एक किताब लिखी है पोएट ऑफ अंडरवर्ल्ड। तो राइटर हो गया, हम लोग भी राइटर है सर, इतना हम भी बड़े गर्व से कहते हैं, काफी हमारे पास क्या हैसियत है कि कोई गैंगस्टर के सामने हम खड़े हो जाए, लेकिन ढसाल के सामने गैंगस्टर भी उतना ही इज्जत करता था जितना साहित्यकार इज्जत करता था। अब रही बात जो है राजनीति को प्रभावित करने के लिए, आप बताइए कि भारत की हिस्ट्री में कौन ऐसा राइटर हुआ जो इंदिरा गांधी के सामने टेबल टॉक के लिए मजबूर कर दिया हो? तो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में सर नामदेव ढसाल जैसे शख्सियत राइटरों में आज तक शख्सियत नहीं पैदा हुई है। अभी इस विषय हिसाब से पर अध्ययन होना बाकी है। मैं खुद को बड़ा अपराधी महसूस करता हूँ, लोग कहते हैं कि जिस नजरिए से मैं देखता हूँ उन पर मैं अध्ययन कर लिख सकता हूँ, लेकिन अब क्या है कि जो सामयिक मुद्दों का जो बर्डन इतना रहता है सर कि मैं वो नहीं कर पाया। तो नामदेव ढसाल जो है दुनिया के एकमात्र लेखक है
जिन्होंने राजनीति में भी जो है ये राजनीति में हावी रहे, वो जो है अंडरवर्ल्ड में भी हावी रहे और साहित्य जगत में भी हावी रहे सर। ऐसी कोई प्रतिभा आई होगी शुक्रिया। अब एक मिनट सर, वो जो ठाकरे के साथ जो समझौता होता है सर, एक बड़ी मजबूरी थी। मैंने कई बार लिखा है सर कि उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक दलितों में एक जाति विशेष का जो है वोट है, अगर महाराष्ट्र में जो है दलितों के वोट की थी, इनके पीछे सजातियों की संख्या होती, तो नामदेव ठसार प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन लिए होते ना। खैर मेरा दावा है कि कुर्सी छीन लिए होते। ट्रेजेडी क्या है, ठसार क्यों नहीं भारत का प्रधानमंत्री बन पाए। बड़ी समस्या है सर कि वहां पर जो है 13% के करीब है दलित है, जो महार और नन महार में बटे हैं। महार और नन महार की रायभरली इतनी जबरदस्त है सर कि डॉक्टर अंबेडकर भी असहाय हो गए, बाबा साहब भी जो है नन महार। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उस पे। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं महार नन महार के ऊपर, बाबा साहब की राइटिंग। अगर 13% जो है दलित अगर ये आपस में नहीं लड़ते और 13% अगर जो संख्या ढसाल को मिलता तो ढसाल प्रधानमंत्री बने होते। महाराष्ट्र के लोगों पर जो हम लोग संदेह करते हैं नाम दो और सब लोगों पर, बड़ी मुश्किल है सर कि इनके पास संख्या बल नहीं है। संख्या बल ना होने की वजह से जो है इनको किसी न किसी के साथ मिलजुल करके अपने आप को सरवाइव करना पड़ता है। तो ढसाल साहब जो आपका उनके साथ जाते हैं वो इनके बाल ठाकरे के साथ, तो उसके पीछे कहीं से जो था वैचारिक रूप से सरेंडर करना नहीं था। जैसे आज देखें कि बहुत से लोग बीजेपी में चले गए और किस भाषा में बात कर रहे हैं, डॉक्टर इन्होंने कभी उस भाषा में बात नहीं किया। इनका ही कहना था कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने समाज को इम्पावर्ड नहीं कर पाए, मराठियों से जो कन्फ्लिक्ट होगा तो हमारा समाज जो है ज्यादा नुकसान में रहेगा। इस स्थिति में थी तो ये है सर, मैं नहीं समझता हूँ। मैं ये थे चंदुसार साहब अनछुए पहलू नामदेव ढसाल साहब के, आज उनकी जयंती है, पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया तुषार साहब, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, और आप तब तक दोस्तों कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। मिलता हूं फिर आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू।